नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। तो ऑटोमोबाइल ज्ञान की वीडियो इसी तरह कुछ छत पर शूट करता हूँ कभी कभी मैं, और थोड़ी पर वॉइस में दिक्कत हो रही हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो चलिए आज बात करते हैं हम ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में। ट्रैक्शन कंट्रोल क्या होता है? ट्रैक्शन कंट्रोल बेसिकली उन गाड़ियों में आता है जो ऑफ रोडिंग के लिए होती है, या फिर उन गाड़ियों में जो रेसिंग के लिए यूज़ होती है, या फिर आजकल तो हर गाड़ी में आने लग गया है ट्रैक्शन कंट्रोल। ये एक सेफ्टी फीचर के तौर पर यूज़ किया जाता है हर किसी गाड़ी में। तो इसी के बारे में जानते हैं कैसे काम करता है और इसमें क्या कुछ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रैक्शन का आप मीनिंग समझिए। ट्रैक्शन का मतलब होता है जगह, और उसके ऊपर जो टायर होगा उसके बीच में जो पकड़ होती है उसको ट्रैक्शन कहा जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब कंट्रोल का मतलब क्या होता है? उसको मैनेज करना है, या फिर कहीं जगह पकड़ कम रखनी है, कहीं जगह पकड़ ज़्यादा करनी है, ये उसी हिसाब से काम करता है। तो इसका पूरा नाम हुआ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। अब ये एक सेफ्टी फीचर के तौर पर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी जगह क्या होता है कि गाड़ियाँ फिसल जाती है, गाड़ियों के टायर जो होते हैं वो अपने आप मतलब फ्रिक्शन जो होता है उसको लूज़ करके, या फिर फ्रिक्शन कम हो जाने की वजह से बार बार घूमने लग जाते हैं। उसी हिसाब से वो ट्रैक्शन कंट्रोल जो होता है वो उसमें मदद करता है कि टायर ज़्यादा स्किड हो ना हो या फिर ज़्यादा घूमे ना। इसीलिए ये सेफ्टी फीचर के तौर पर भी गिना जाता है। और ये कहाँ कहाँ काम आता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको काम आता है कहीं कीचड़ में से निकलने के लिए, यानी कि बाय चांस चलिए आप की गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव नेक्सॉन है, या फिर कोई सी भी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव ले लीजिए, नेक्सॉन में यह सिस्टम आता है इसलिए मैं नेक्सॉन का एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर वो गाड़ी कहीं जा रही है और एक टायर गाड़ी का कीचड़ में फंस गया और दूसरा टायर जो है वो खुला हुआ है या फिर ज़मीन पर ही नॉर्मल सरफेस पर है, अब जो टायर कीचड़ में फंसा होगा उसकी जो पकड़ होगी वो सरफेस के साथ कम हो जाती है, और सरफेस के साथ पकड़ कम हो जाने की वजह से क्या होगा कि उसमें जो टायर होगा वो ऑटोमेटिकली घूमने लग जाएगा। यानी कि नॉर्मली जो इंजन टॉर्क भेज रहा है टायर्स को, उस टॉर्क की वजह से वो जो टायर होगा वो ऑटोमेटिकली घूमने लग जाएगा और दूसरा वाला टायर भी वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, यानी कि दोनों टायर में सेम पावर जा रही है। तो एक टायर वहाँ पे घूम रहा है, इसकी वजह से वो क्या गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तब ट्रैक्शन कंट्रोल क्या करता है कि गाड़ी का जो टॉर्क है उसको एक टायर में कम कर और दूसरे टायर में उसको पहुंचा देता है, साथ में गाड़ी के ऊपर ब्रेक भी अप्लाई करता रहता है। यानी कि आपको ब्रेक पेडल दबाने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक को अप्लाई करती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि गाड़ी पे ये गाड़ी और सरफेस के बीच में जो पकड़ होती है, यानी कि टायर और सरफेस के बीच में जो पकड़ होती है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगती है और गाड़ी आपकी वहाँ से निकल जाती है। ये सेम चीज़ आपको स्नो वगैरह जैसी चीज़ होती है वहाँ पर, रेत वगैरह की जैसी चीज़ होती है उसमें, और भी ऑफ रोडिंग जैसी बहुत सारी जगह होती है, यानी कि बहुत सारे ऑफ रोडिंग ऑब्स्टिकल होते हैं उसमें भी गाड़ियों को निकलने में मदद करता है। अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी तो आप फोर्ड एंडेवियर के टेरेन रिस्पॉन्स मोड जो होते हैं उसमें उसके हिसाब से भी समझ सकते हो। उसमें क्या होता है कि स्नो के लिए अलग टेरेन रिस्पॉन्स मोड आता है, इसके बाद में स्नो के लिए अलग आता है, मड के लिए अलग आता है, वगैरह वगैरह वो सब सिस्टम आता है, वो सब ट्रैक्शन कंट्रोल के हिसाब से काम करता है। गाड़ी की पकड़ जो होती है टायर और सरफेस के बीच में उसको कंट्रोल करने के वो काम आता है। अब ट्रैक्शन कंट्रोल कौन कौन सी गाड़ियों में आता है वो आप गाड़ी की फीचर लिस्ट देखकर ही पता कर सकते हैं, क्योंकि आप नॉर्मली लोग क्या होता है कि गाड़ियों की जो फीचर लिस्ट होती है उसमें वो एप्पल कारप्ले और टच स्क्रीन वगैरह देख लेते हैं, और वो वाइपर ऑटोमेटिक होता है वो, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प जैसे गिमिक फीचर देख लेते हैं। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, इसके बाद में ESP हो गया, EBD हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है गाड़ी में वो कभी देखते नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें होती है। तो इन चीज़ों को देखकर गाड़ी खरीदिए, और अपनी कंपनी जो आप पर्टिकुलर किस कंपनी की गाड़ी चलाते हो और हमेशा से उसी की गाड़ियाँ खरीदते आए हो तो उनको भी अपना फीडबैक दीजिए कि अपनी गाड़ी में ये चीज़ इंक्लूड करें, ताकि हमको एक प्रॉपर सेफ्टी मिल सके। और कभी कभार होता है हमारे साथ भी ऐसा कि हमको कहीं गाँव जैसे इलाकों में जाना पड़ जाए या फिर कहीं ऑफ रोडिंग करनी पड़ जाए, कभी ना कभी ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाइए, या फिर कहीं ऐसी जगह बारिश हो गई और खड्डा हो गया अपने इंडियन रोड्स पर और वहाँ पर आपकी टायर गाड़ी का टायर जो होता है वो फंस जाता है, तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी चीज़ें बहुत हद तक आपको काम में आ सकती है। तो आई होप कि ये आपको नॉलेजेबल लगा होगा। अगला वीडियो भी मैं ऑटोमोबाइल ज्ञान के ऊपर ही लाऊँ तो आप मेरे पिछले दो वीडियोज़ भी देख सकते हो जिसमें मैंने गियर बॉक्स, पेट्रोल इंजन और ABS EBD के बारे में भी समझाया है, तो वो वाले वीडियोज़ आप अभी देख सकते हो और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नॉलेजेबल लगा तो शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।